दर्शाया गया है। यहाँ पर ऐसे पानी निकाल रहे हैं कुएं से, ठीक है। ये वाला देख सकते हो, ये लोग डांस वगैरह कर रहे हैं, पंजाबी गिद्दा। और यहाँ पर ये ऐसा ये बनाया गया है, ये देख सकते हो। और झूला तो यार, झूला ही ज़बरदस्त दिख रहा है। ये यहाँ पर देख सकते हो आगे में पंडाल ऐसा बनाया, ठीक है। ये है पंडाल और ये है हमारी दुर्गा माता रानी, ये देख सकते हो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ, अभी मैं जाने वाली हूँ सेक्टर 2 के BSNL चौक, जहाँ पर पंजाब का पूरा थीम बना हुआ है। यहाँ टिकट जो है 30 रुपये या 25 रुपये है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर पंडाल बना हुआ है यहाँ पर। तो चलो जल्दी से चलते हैं और पंजाब की सैर करते हैं। पंजाब का जो पंडाल है यहाँ पर, का जो थीम है पंजाबी थीम, वो किस तरीके से बनाया गया ये भी हम लोग आप लोगों को मैं भी दिखाने वाली हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को भी शुरू करते हैं। तो गाइस डेकोरेशन देख सकते हो स्ट्रीट की, बहुत ही ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन है। प्लस यहाँ पर झूला लगा हुआ है, झूला के लिए हमेशा सेक्टर 2 का BSNL चौक हमेशा फेमस रहता है। और आज संडे है, उसके हिसाब से थोड़ा सा भीड़ तो दिख ही रहा है। और आज पहला दिन है और बहुत ही सुंदर इस तरीके से ना ऐसा स्टॉल लगा हुआ है, जो कि मैं बाद में देखूँगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कीरिंग लगे हुए हैं और गले वले का लगा, और यार मेरा फेवरेट ऐसे झुमके वगैरह का स्टॉल लगा हुआ है, ठस ठस में भरा हुआ है। इधर बहुत सारा ऐसा झूला लगा हुआ है और स्टॉल है। तो अभी हम अंदर चलते हैं पहले, ठीक है। क्या हुआ टिकट? तो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ जो है पंजाबी थीम में बनाया गया है। क्या है अंदर में ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। बहुत ही सुंदर ऐसा सामने का डेकोरेशन टाइप का बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पंजाबी थीम पूरा दिखाया गया है, ये देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर पूरा बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एकदम सुंदर बाजा बज रहा है, मज़ा आ रहा है एकदम, ढोल ताशे टाइप का, ठीक है। ये देख सकते हो पंजाब की लस्सी फेमस है, पंजाब के बच्चे हैं, चूल्हा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। हमेशा यहाँ ऐसा होता है जैसे हम लंगर में जाते हैं ना, तो खाना आपको देता है, तो पहले हम खाना जो है इसे प्रणाम करते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और ये देख सकते हैं आप लोग, गोल्डन टेम्पल बना हुआ है यहाँ पर। चलते हैं अंदर की ओर। और यहाँ से जो है झूला दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, सट्टा पिंड वेलकम्स यू, बहुत ही ज्यादा शानदार है। ये देख सकते हो यहाँ पर जो है इस तरीके से बना हुआ है पूरा, ये देख सकते हो। ये लोग सब भांगड़ा कर रहे हैं यहाँ पर। और आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अभी हम, ये देख सकते हो ये पूरा लस्सी निकाला जा रहा है, ये सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत बनाया जा रहा है, ये देख सकते हो। ये बच्ची जो है उनकी जो मम्मी है चोटी कर रही हैं, ये पढ़ाई किया जा रहा है यहाँ पर। प्लस यहाँ पर देख सकते हो पंजाब के गाँव का पूरा दर्शाया गया है। यहाँ पर ऐसे पानी निकाल रहे हैं कुएं से, ठीक है। ये वाला देख सकते हो, ये लोग डांस वगैरह कर रहे हैं, पंजाबी गिद्दा भांगड़ा पा रहे हैं, ये देख सकते हो। और ये गोबर के उपले बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से गाय हैं, बकरी है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा ऐसा बनाया गया है, ये देख सकते हो आप। आगे चलते हैं हम, और झूला तो यार शानदार दिख रहा है एकदम से, है ना। और ये छोटे बच्चे लोग मस्त खेल रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही सुंदर सा थीम ऐसा दिया गया है, यूनिक सा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर ये ऐसा ये बनाया गया है, ये देख सकते हो। और झूला तो यार, झूला ही ज़बरदस्त दिख रहा है। ये यहाँ पर देख सकते हो आगे में पंडाल ऐसा बनाया गया है, ठीक है। ये अपना पंडाल है, यहाँ आपको दुर्गा माता देखने को मिल जाएंगी। प्लस ये देख सकते हो पंजाबी जी जो हैं, ये यहाँ पर खाना वगैरह पका रहे हैं, ठीक है। और ये छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे जो है ना कंचा खेल रहे हैं, ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो चलते हैं हम अंदर की ओर, और ये देख सकते हो पंडाल जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार बनाया गया है। अंदर चलते हैं हम,
ठीक है। यह है पंडाल और यह है हमारी दुर्गा माता रानी, ये देख सकते हो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो ये हमारी दुर्गा माता रानी को आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। छोटी दुर्गा माता रानी भी है, बड़ी दुर्गा माता रानी भी है। ऊपर का डेकोरेशन देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये है हमारी माता रानी और ये पूरा जो है मरून कलर का इस टाइप का बैकग्राउंड बनाया गया है, प्लस उसमें थर्माकोल का ऐसा दिया गया, ये देख सकते हो आप लोग। कौन बरल है कर वर्तिया, कौन बरल सारे आप लोगों को ज्वेलरी मिल जाएगी देखने को, ठीक है। आगे चलते हैं और यहाँ पर ऐसे चूड़ियों वाला भी बहुत सारा ऐसा स्टॉल लगा हुआ है, चूड़ी, ठीक है, चूड़ी है, खाने पीने का ये है, प्लस यहाँ पर ऐसा पान वगैरह मिल रहा है, प्लस यहाँ पर ये जो ड्रैगन वाला जो झूला होता है ना वो लगा हुआ है, ये मेरा फेवरेट वाला जो स्टॉल है होता है ये है। ये कितने का है, कहाँ गए ये कितने का भैया, 150 का, और ये 180, ये देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर से ऐसे ज्वेलरी का ना ऐसा स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये ऐसे लटकने वाला, ये कितने कितने का है, और गले का स्टार्टिंग क्या है, गले का स्टार्टिंग प्राइस? अच्छा, ये वाला बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये वाला कितने का भैया, कलरफुल वाला 180 को, ज्यादा महंगा नहीं लगा रहे? और ये झांकी में ना सीरियसली मज़ा ही आ गया। मज़ा क्यों आया, क्योंकि अंदर में जो पिंड का जो पूरा जो अपना बाजा वगैरह होता है ना वो बजाया जा रहा था, ढोल ताशे जो होते हैं, बहुत ही मज़ा आया। मैं तो बहुत ज़्यादा डांस की, तो आप भी यहाँ ज़रूर आइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सो टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।